ਇੰਚਾਰਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹਾ ਡਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਡਾਲਾ ਉਹ ਕੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਡਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਤਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਬੂਤ ਆਪ ਕੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਕੀ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਗਿਆ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਿਦਾ ਹੱਥ ਜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਿਦਾ ਦੇਣੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀਆ ਜੀ ਆਪਨੇ ਹੈ ਗਲਤ ਕਿਆ ਹੈ ਹਮਕੋ ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿਆ इसी प्रधानमंत्री ने हमारे किसानों को साफ सब कुछ लूट लिया। क्या किया आपने? आपके पास कोई राइट है? आपके पास कोई राइट है? हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे जहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ये कोई बात थोड़ी हुई। अरे अरे, ये थोड़ी बात हुई, ये बात नहीं हुई, ये बात कोई बात नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, वाह उसको दोबारा से लगाओ। आपने गलत किया, आपसे क्या राइट है? क्या राइट है? आप ड्यूटी पर हो, आपने राइट नहीं है कोई, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं है। उन्होंने बोले भी गलत, गलत बोला उन्होंने, हम नहीं करेंगे वीडियो बनाएंगे। ना ना बहुत सॉरी मांगे, हम जाएंगे गाड़ी चला दो, बताएंगे चलो ऊपर से ले जाएंगे जहां से, हम नहीं जाएंगे। वो तुम्हारा उसको लगा अल्लाह के मुल्क चढ़ो नहीं नहीं जान देना था। प्रधानमंत्री सानू मारता है, तुही तनखा लेते हो? नहीं नहीं, तुही तनखा लेते हो, तुही भी साढ़े थान दे आना। बंद कर रहे क्या देखो जी, हर से मानसा टोल प्लाजे के उपर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतो जे फोर्स के बंदे है किस प्रकार के नाल इत्थे कर रहे हैं, धक्के दे नाल हार लाए है, ते दवाका मार रहे हैं, गोली मार देंगे। ये लगातार इन्होंने शब्द है, ड्राइवर है उधर शब्द है, गोली मार देंगे आपने घर। गोली मारो, मारो गोली, हथ लगाओ, अभी तो गोली खाने को तैयार है। गोली मारे, गोली मारो, गोली खाने को तैयार है। गोली मारो, गोली मारो आदमी के। रोड पिछला बंद कर, पाले पास वाला देखो जी, हर से मानसा टोल प्लाजे से पिछले लंबे समय तो जो प्रोटेस्ट चलता पाया है, इतने जड़ा मोदी है वो साढ़े किसान दे जड़ी बह गया, साढ़े ते जड़े कानून तोप रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ते ये कह रहे हैं कि असि गोली मार देंगे। ये झूठी दे है, इन्हां को की अधिकार है कि किसानों नु ये गोली मार देंगे? ये क्या गल है? ये बिल्कुल गलत है। फोन करो, फोन करो सारे नु। ये देखो जी, ये गल है, ये आर्मी पर्सन है, ऑन ड्यूटी है, पर जड़े इन्हां दे शब्द है वो बिल्कुल सभ्यजनक नहीं सीगे, कोई संविधानिक नहीं सीगे। बोल दे, बोल दे, छोड़ दे, नहीं नहीं, ये तो मेहरबानी बानी है। ऊपर है पूरा पंजाब सड़का ते है, भारत दिया 500 किसान जथेबंदियां सड़का दे ऊपर है, पर इन्हां वालों जो कीता गया बड़ा गलत है, शब्द वरते गए असि गोली मार दांगे, और असि बैठे है गोली मार दियो, असि बैठे है, असि घट गिनती चा वध गिनती चा तुसी मार दियो गोली, सारी समझे। उन्होंने सॉरी बोल तो दिया, हार दोबारा तो पा दियो, हां लाथा जा उन ला दे उतो पहला, माफ बोलो, माफ बोलो, माफ बोलो, लिया जा। हाँ जी सर, तुसी टोल प्लाजा दे उपर ए हटाया, पहले तो मास्क उतारो, तुसी मास्क तुसी पहला नहीं लाया गा वाइल ड्राइविंग कोरोना का, तुसी पहला नहीं लाया, वीडियो तुहाडी रिकॉर्ड है, ठीक है जी, चलो बोलो। कित्थों आए तुसी, कित्थों आए तुसी, कित्थों आए तुसी, ए दसो, जुनर दसो, ए गड्डी है जी HR 55A 2849, ए गड्डी आई है जी फोर्स दी है, ए फोर्स दे विच मुलाजम है लगातार जिन्हां ने ए कीता है, इत्थे साडे बुजुर्गां दी चंगी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया सॉरी, उन्होंने बोलो नहीं गलती की, क्या किया आपने? मैंने क्या गलती, क्या किया आपने? क्या किया आपने? आपने किया क्या? आपने यहाँ पर हर से मानसर टोल प्लाजा पर जो प्रधानमंत्री है, जो किसानों के विरोध में जिन्होंने कानून पास किया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई संविधानिक अधिकार है? लोगों के ऊपर आपने शब्द वरते भी गोली मार देंगे, आपके पास कोई अधिकार है? नहीं बोला मैंने। क्यों नहीं बोला? आपने कैमरे पर बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जाए, आपने नहीं बोला ना, आप जाओ फिर निकल के बताओ फिर कहां से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई। हरसे मानसर ये हुशियारपुर जिले के उपर जिथे सात किसान जथेबंदियों वालों पिछले 44 दिनों तो शांतिपूर्वक ढंग के नाल मोर्चा लगा के रखा हुआ है, जिदे इतों कोई भी वसूली नहीं कर दी जा रही, ये पूरे
पंजाब के हर एक टोल प्लाजे से तुम देखिया होना है पंजाब इन तीन खेती कानूनों के विरोध के चौथे बिजली सोध के विरोध के बड़े पद्धर के उपर संघर्षा के राह के उपर है वह सड़कों पर है लगातार असी सर्द मौसम से चाहे बारिश हो रही असी इन्हों टोल प्लाजे के उपर दिन रात इतने कट रहे हैं। कल देर शाम 6 बजे CRPF की जी कानवाई इतों क्रॉस कर रही थी सानू कोई दिक्कत नहीं असी आराम बैठ रहे उन्होंने किसी ने कोई नहीं रोकया पर एक फौजी वीर वालों उतर के जेड़े साडे किसानों वालों विरोध के तौर के उपर नरेंद्र मोदी जिहड़ा भारत का प्रधानमंत्री है साडा उहदे विरोध के वजो उहदे तस्वीर के उपर जिहड़ा जुत्तियां का हार पा के रखिया होया है फौजी वीर वालों उस हार नू उतार के ते लोकां ने जदों किसानां ने पुछिया भी तुसीं क्यों कर रहे हो तो फौजी वीर दे जवाब ये सी भी जे तुसीं इस तरीके के नाल करोगे तो असीं गोली मार देंगे मतलब ये शब्द जिहड़े गोली मारन वाले है ये बड़े ज़्यादा भड़काहन पैदा की उस मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया तो असीं विरोध भी किया उहदा वड्डे पद्धर के उपर तो जिहड़ी गल किसान दे नाल टकरार फौजी वालों जिहड़ी होई है व्यक्ति विशेष तौर पर क्योंकि असीं सम्मान करते हैं हर एक वैल्ड फोर्स अधिकारियों का फौज के उपर ये अधिकारी बॉर्डर के उपर साडी सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं उत्थे ही जिस तरीके दे नाल ये जिहड़ा शब्द वरत के गोली मार देंगे भड़काहन पैदा करता है इहदे तो किसानों ने गुरेज़ किया निंदनयोग शब्द कहा विरोध किया तो उत्थे मौके ते इस चीज़ का विरोध करते हुए उन्होंने नाल जिदा उन्होंने रोकया गया पर मौके दे उपर ही किसानों ने साफ कहा भी तुसी इस गल नू मन्नो भी तुहाडी ये गलती है इस गलती नू रिलाइज़ करो माफ़ी मंगो किसानों तो असी नहीं कहते भी तुसी नरेंद्र मोदी की तस्वीर ते दोबारा तो जुत्तियां दा हार पाओ असी पा लवांगे पर अपनी गलती नू कबूल के क्योंकि तुसी अगे भी जाना है ये तस्वीर पंजाब दे हर एक टोल प्लाजे के उपर है भी इसे तरीके दे नाल जुत्तियां वाले हार दे नाल सम्मानित किया होया है विरोध प्रकट कर रहे हैं किसान तो इदां अगे तक ना करते जायो क्योंकि ये लड़ाई जिहड़ी केंद्र दे विच बैठी हैंकड़बाज मोदी सरकार दे नाल है असी उस लड़ाई दे विच अहम योगदान पा रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग दे नाल प्रोटेस्ट करके इहदे विच असी नहीं चाहते भी कोई माहौल जिहड़ा खराब होवे। एक्चुअल दे विच असल च देखण वाली गल है जे वह आर्मी परसन है CRPF दे विच जवान है उन्हां दा एक अधिकारिक खेत्र है असी भारत दे विच रहिंदे हां भारत एक लोकतांत्रिक देश है डेमोक्रेसी ना दी भी कोई चीज़ है साडे को लोकतांत्रिक तरीके दे नाल प्रोटेस्ट करना संविधानिक अधिकार है उस अधिकार की ही वरतों करके असी 40-45 दिनों तो इसे टोल प्लाजे के उपर 24 घंटे बैठे हुए हैं अपनिया जड़िया असूलन मंगा नू लैके वो मंगा जिहड़ा साडी मंडीकरण नू तबाह कर दिंदियां वो मंगा जिहड़ी सरकारी खरीद नू खत्म कर रहीआं वो मंगा जिहड़ी टोटल वंड प्रणाली नू खत्म कर रहीआं वो मंगा नू लैके असी बैठे हुए हैं तो फौजी वीर वालों जिस तरीके दे नाल ए कीता गया ये निंदनयोग सी असी उन्हां नू साफ शब्द वरते भी तुहाडा अधिकारिक खेत्र जिहड़ा है तुसी जो मर्जी करो असी उहदे च कोई इंटरफेरेंस नहीं करते साडे ही भरा वो जवान है फौजी है सरहदां दे उपर साडी राखी कर रहे हैं उसी ही गल नू लैके असी तेरी इस वर्दी का सम्मान करते हैं पर जिहड़ी तैनू ये फीड कर रही है RSS BJP पिछों ठोक दो ते गोली मारन वाले शब्द ये शब्द तैनू वापस लैने पैणगे ते इहदी माफ़ी मंगने पैणगी ये गल किसानां ने उत्थे सामने रखी ते उन्होंने मन्नी उहदे तो बाद ही असी जान दिता असी विरोधी नहीं किसी भी आर्मी परसन दे किसी अदारे दे ये शब्द कित्थों आ रहे हैं पंजाब दे विच हर एक बंदा सभ्यक है सभ्याचारक सांझ दे नाल है कोई हिंदू सिख दलित भाईचारा सांझ दे नाल लगातार रह रहा पिछले लंबे समय तो ये कि गल आ गई भी ठोक दो कोई अपना प्रोटेस्ट कर रहा उन्हूं ठोक दो कोई अपना प्रोटेस्ट कर रहा उन्हूं गोली मार देंगे ये शब्द जिहड़े किते ना किते ये RSS ते BJP लैके आ रही है वो पंजाब का माहौल खराब करना चाह रही है ये पंजाब का माहौल कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है असी बाबे नानक तो लैके बाबे नानक ते मरदाने की दोस्तियां का वास्ता देंदे आए हैं जंगा देखिया असी वड्डे पद्धर के उपर इन्हां जंगा की अगवाई की है पंजाब ने जिथे अज असी 26-27 की कॉल जिहड़ी दित्ती है दिल्ली घेरन की पंजाब अगवाई कर रहा है वड्डे पद्धर दे असी इस मुकेरियां दे उपर वड्डे पद्धर दे किसान मजदूरों नू लैके 6 महीने का बंदोबस्त करके राशन लैके कूच कर रहे हैं 25 तरीक नू असी अगवाई कर रहे हैं असी नहीं चाहते अजिहा भड़काहट का माहौल होवे असी नहीं चाहते साडे पंजाब का जिहड़ा माहौल है वह खराब होवे पर BJP ये सियासी धिर चाहे वह जिहड़ी मर्जी है वह चाहदियां है क्योंकि उन्हां दा राजनीतिक जिहड़ा स्पेस है वह खत्म हो गया पंजाब च इन्हां नू किते पिंड दे विच बढ़न नहीं दिता जा रहा वड्डे पद्धर दे उपर बायकाट किया जा रहा इस बुखलाहट तो घबरा के क्योंकि BJP का पिछोकड़
चाहे वह गोदरा कांड है, चाहे वह 2 फरवरी 2020 दे विच जिहड़ा इन्होंने मुस्लिम दंगे दिल्ली च कीते है, वह करदी आई है। ये गल जग जाहर है, इन्हों का जिहड़ा फिरकी प्रस्ती का जिहड़ा पिछला माहौल है वह करना चाहती है पंजाब च, पर असी पंजाब के लोग जिहड़े संघर्षां दे हानी है अजिहा माहौल असी खराब नहीं होण देवांगे। साडा जिहड़ा वा किसानां दा संघर्ष लगभग 1.5 महीने तो लगातार चल रहा, जिहड़े आर्डीनेंस मोदी सरकार लै के आई आ, ते चौथा जिहड़ा वा बिजली सोध बिल आ, उहदे संबंध दे विच किसान जिहड़े धरने ते बैठे आ। पर जिहड़ा मानसर टोल प्लाजा वा इक अजिही जगह दे उत्ते आ जिथे हिमाचल प्रदेश तो जम्मू कश्मीर की जी हद साढ़े नाल लगती है। जो भी ये कोई BJP का जोड़ा समर्थक है वो आता वा तो मोदी के हार जे गल जे किसान वीर ने पाए जुत्तियां के उन्होंने वेख के बड़ी उन्होंने तकलीफ होंगी है। उस तहत जोड़ा वा पहला भी साढ़े इस टोल प्लाजे एक बीबी वालों जोड़ा वा वो इदा की गल की गई, कल इतों कानवाई CRF की जी निकल रही थी, उतों फौजी वीर ने आके तो जोड़ा टोल प्लाजे के जुत्तियों का हार मोदी की गल च पाया से लाने की कोशिश की, साढ़े किसान वीर ने पुरजोर विरोध किया। जो विरोध किया तो फौजियों के एक बंदा उन्होंने जोड़ा आर्मी वाला से फौजी भाई वह कह लगा भी तुम्हें गोली मार देंगे। ये रोस के आ गए साढ़े किसान वीर ने उन्हें बहुत ज़्यादा जोड़ा वा वो रोह के आ गए, तो असी जोड़ा वा उन्हों का पुरजोर उत्थे विरोध किया। जबकि जी साढ़े जिन्हें भी टोल प्लाजे धरने लगे अं शांतमय लाए हुए हैं, जिन्हें भी साढ़े 25 तरीक का प्रोटेस्ट ही ज 9 तरीक का असी इतने किया मकेरिया विखे, असी जो बिल्कुल शांतिपूर्वक रखे एंबूलेंस तो आर्मी दी गड्डियां जिहड़ियां अं बकायदा जिहड़ियां जान दे रहे हैं, क्योंकि साढ़े वीर जिहड़े बार्डर ते बैठे ने वो साढ़े भरा ने, साड़ी धरती जिहड़ी साढ़े बजुर्गों ने जिहड़ी आ बंजर जिहड़ी आ इहनूं उपजाऊ कीता अपने खून पसीने दे नाल, ते अज जे मोदी एक धिर बन के साढ़े को खोना चाहूगा तो असी कता चित नहीं होण देवांगे। फौजी भरा जिहड़े उह साढ़े वीर ने, असी जय जवान ते जय किसान का नारा जिहड़ा भारत सरकार ने लाया सी, ते असी उह ते मोढ़े नाल मोढ़ा ला के इन्हां फौजी वीरां नाल ते किसान वीरां नाल डटे हाँ। तो जे साढ़े नाल आ के जे कोई इदां दी गल करूगा तो वह सुभाविक आ भी उहदा रौला पाऊगा। इस करके असी सारे भारत नूं ते मोदी तक भी ये मैसेज देना चाहुंदे आ भी जिहड़े आर्डीनेंस तुसीं साडी बर्बादी विच वास्ते लै के आए हो वो वापस लै लो, तां कि साडा जिहड़ा वा ये जात पात का पाड़ा हिंदू सिख एकता की जी तुम गल करते हो, साडा 9 मास का रिश्ता सारे भरावां का, इहनूं तोड़न की तुम गल ना करो, ताडियां ये जिहड़ियां चालबाजां दे विच लोग जिहड़े आ शामिल नहीं होणगे, लोग पछाणदे ने तुहानूं, ते साडे हक जिहड़े आ जिन्ना चिर सानूं साडे हक ना मिले उन्ना चिर असीं टोल प्लाजे ते हिलण वाले नहीं गए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ ਆਰਮੀ ਸਿਵਲਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਹਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਲੂੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਛ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਦਾ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ, ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਜੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਪੈਲੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
दुखी भैन भरावां दे मसीहा पंजाब दे मशहूर ज्योतिष 50 सालों का महान तजर्बा स्वामी शुक्राचार्य महाकाली उपासक तांत्रिक विधि नाल पाओ 100% गारंटी नाल हर परेशानी का हल। पति पत्नी च झगड़ा प्रेम ब्याज रुकावट सौदन दुश्मन का खात्मा विदेश च पक्का होना कीता कराया गुप्त वशीकरण कराओ रुसे प्रेमी प्रेमिका नूं अपने बस च करो लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लुटो मैक्स प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो मैं तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगा संपर्क करो 9879014 31।